Good morning children, back to our classroom. Today we have the class for science, the first standard. So already we have completed our 1 to 3 chapters, I think. So today we just studying about the chapter 4, plants give us food. Plants give us food. हमने पहले क्लास में पढ़ाई किया था ना, प्लांट्स मतलब क्या है, पढ़ाई किया ना, गिव अस फूड, प्लांट हमको कैसे खाना देती है, ठीक है, प्लांट्स हमको खाना कैसे देती है, गिव मतलब देना है और हमको देना है, अस मतलब हम, फूड मतलब हम सबको पता है खाना की चीज़ होती है, ठीक है. सो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. Plants are very useful to us. मतलब क्या है, Plants हमको ज़्यादा useful करती है, हमको ज़्यादा कभी भी use करती है, हम ज़्यादा जोर से use करती है हमारे घर पे और आसपास में पूरा. They give us food. Plants हमको क्या देती है, Food, clothes, medicines and wood. Plants हमको क्या क्या देती है, फूड देती है, खाना देती है हमको, कपड़ा देती है, क्लोथ्स कपड़ा बोलती है, मेडिसिन्स दवाई ऐसे मिलती है प्लांट से, एंड वुड, वुड मतलब लकड़ी. मैम ने पहले से क्लास में आपको बोला था ना वुड्स कैसे बोलती है, नीम ट्री, ये सब ट्री में मैम आपको बोला था ना कैसे कैसे लर्न करना है. देखो ये काट के हमको इसमें से वुड बनाते, इधर से इधर तक हमको वुड मिलती है, ठीक है. सो The plants give us food, clothes, medicines and wood. Most of the food we eat comes from plants. बहुत सारा खाने की चीज़ हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलती है. सो रीड वंस मोर, मैम के साथ रीडिंग करना है. PLANTS, plants, ARERVERY, very, USEFUL, useful to us. Plants are very useful to us. THEY, they, GIVE, give, US, us, FOOD, food, they give us food, clothes, कैसे बोलना है, clothes, medicines and wood. Most of the food we eat comes from plants. बहुत सारा खाना की चीज़ हमको कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है. इधर देखो आपको एक एक्टिविटी दिया है, इधर क्या मिल रहा है बोलो, ये क्या मिल रहा है, देखो एक प्लेट में कुछ ना कुछ चीज़ है. इधर देखो क्या क्या है चीज़, कुछ वेजिटेबल्स होगा, कुछ फ्रूट्स होगा, ठीक है. सो ये इसके सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर नंबर डाला हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर डाला है. एंड इधर देखो यहाँ नीचे थोड़ा इसे बॉक्स में आपको दिया है, वेजिटेबल्स के नाम दिया है और फ्रूट्स के नाम भी है, ठीक है. सो ये ऊपर फ्रूट्स का नंबर दे के जो नंबर यहाँ पर आप डालना है, कहाँ पर जो वो नाम जैसे होती है उधर डालना है. एग्जाम्पल देखो इधर नंबर 1 कहाँ से, कौन से ऊपर में नंबर 1 डाला है, ब्रिंजल, तो ब्रिंजल में हमने इधर नंबर 1 डाला है. देखो अदर 2 कहाँ पे हूँ, इधर, तो 2 कहाँ लिखना है, इधर 2 का वेजिटेबल नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस वेजिटेबल, आई थिंक दिस इज रेडिश. सो यू हैव राइट द 2 नंबर नियर द रेडिश. अंडरस्टूड, दिस इज अ activity for you, you have to do by yourself, से आप खुद से करना है, ठीक है. If you have any problem related to these vegetables, please ask your mom, okay. So ma'am is giving here as a homework. So here food from plants, हमको plants में कौन सी तरफ से food मिलती है वो अभी वो learn कर रहे हैं अभी, okay. So listen carefully, plants give us cereals, pulses, fruits and vegetables. Plants give us cereals, pulses, fruits and
वेजिटेबल्स. दे ऑल्सो गिव अस टी, कॉफी, शुगर, स्पाइसेस एंड एडिबल ऑयल. दे ऑल्सो गिव अस टी, कॉफी, शुगर, स्पाइसेस एंड एडिबल ऑयल. ओके, सो सीरल्स एंड पल्सेस फ्रूट. सीरल्स मतलब हमको ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ हमको खाने की होती है ना, छोटी बच्चों को यूज़ करती है. दिस ग्रेन्स मतलब छोटे चावल की थोड़ा थोड़ा सो होती है ना, छोटा छोटा चावल, चावल की थोड़ा पतली जैसे होती है, चावल की ज़ीरो चावल आप बोलती है, थोड़ा थोड़ा ऐसे होती है वो, हम तो सीरल्स बोलती है, ग्रेन्स बोलती है. ठीक है, सो हम सीरल्स बोती है, वो अच्छा है हेल्थ के लिए, छोटी बच्चों के बहुत सारा अच्छा खाती है. सीरल्स की एग्जांपल मैम बोल देंगे आपको, वो तो राइस होती है, वीट होती है, कॉर्न होती है, बार्ली, ये पूरा सीरल्स के एग्जांपल में आ जाएगा. वाइट चावल, गेहूँ एंड कॉर्न, बार्ली, ये पूरा सीरल्स में आती है. पल्सेस मतलब हमको पल्सेस, जब हमको ज़्यादा पता है पल्सेस के बारे में, इसे सीड प्लांट्स होती है. सीड मतलब जब तो पी, ग्राम, किडनी बीन्स, रेड लिली, वो दाल चावल, दाल होते हैं ना हमारा घर पे, तो दाल दाल बनती है वो पूरा हम तो पल्सेस में ऐड करती है दाल. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल आप खाते हैं ना, मसूर की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, ऐसे कॉर्न होती है, राजमा, ऐसे पूरा चना दाल, ये पूरा पल्सेस में जाता है. ठीक है, सो फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब सबको पता है फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, पाइनएप्पल, ये सब कुछ फ्रूट्स में आती. वेजिटेबल सब्जी, सब्जी सब मैं मैम नहीं बोल सकता हूँ, सबको पता है ना वेजिटेबल्स के नाम. तो कैन यू से एनी वन वेजिटेबल? ओके, कैरेट. सो स्पिनच, स्पिनच मतलब ऐसे पतली पत्ता जैसा होती है, हमको तो स्पिनच खा सकता है, ऐसे ग्रीन कलर की. ऑनियन, कैरेट, बीटरूट, ओके, ये सब कुछ वेजिटेबल्स में आते ही है. सो दे ऑल्सो गिव अस कॉफ़ी एंड शुगर, स्पाइसेस एंड एडिबल. स्पाइसेस मतलब क्या है, हम तो ऐसे करडम ऐसे बोलती है ना, मैगी मसाले में डालती है, इसमें ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर वो काला कलर की होती है, मम्मी को बोलना है मम्मी हमको स्पाइसेस दिखाओ. ठीक है, मम्मी दिखाएंगे, घर पे किचन में है ये सब चीज़. ओके, अगेन एडिबल ऑयल, हम तो पूरा ऑयल बना के लिए यूज़ करती है ना, सो हम ये पूरा हमको प्लांट्स में मिल सकता. ओके, एडिबल ऑयल पूरा हमको प्लांट्स में मिल सकता. सीरियल्स एंड पल्सेस क्या है, देखो, वी गेट सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स. सम प्लांट्स गिव अस ग्रेन्स दैट कैन बी ईटन. सम प्लांट्स थोड़ा, सम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे प्लांट्स होते हैं ना, हमको ग्रेन्स देती है. ग्रेन्स मतलब चावल जैसे होती है. दीज ग्रेन्स आर कॉल्ड सीरियल्स. एग्जाम्पल मैम ने पहले भी आपको बोला है, वीट, राइस, कॉर्न एंड बार्ली, ये पूरा सीरियल्स के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, तो क्यों किसी ने पूछेंगे आपको सीरियल्स मतलब क्या है, बेटा बोलो सीरियल्स की एग्जाम्पल क्या है, तो आप बोल देना, क्या बोल देना, सम प्लांट्स गिव अस ग्रेन्स, सम प्लांट्स गिव अस ग्रेन्स दैट आर कॉल्ड सीरियल्स. एग्जाम्पल ऑफ सीरियल्स, वीट एंड राइस. So, okay children, so today only we have learned from the food from the plants and the cereals and the pulses. And ma'am ने आपको एक homework दिया है, ये activity आप textbook में करके ma'am को photo WhatsApp भेजना. ठीक है,